मतलब ब्यूटिफुल, यू हैव टू सी दिस, हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टी एंड शेयर यू एंड शेयर यू एंड शेयर योर व्यूज. सो हाउस हंटिंग का जो है सिलसिला जारी है, बट आज मैंने एक इतना सुंदर घर देखा है. इट्स लाइक अ इट्स वन फ्लैट बट इट्स ऑन टू लेवल्स लाइक अ डुप्ले एंड इट्स ब्यूटिफुल. इट्स आइडियल लोकेशन जस्ट अबाउट 3.5-4 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हस्बैंड्स वर्क प्लेस. दिस इज इन गच्चीबौली एंड मतलब ब्यूटिफुल, यू हैव टू सी दिस. हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टी, एंटर इन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. बहुत सुंदर है. एक्चुअली जब मैंने यहाँ पे एंटर किया था, आई हैड नो एक्सपेक्टेशन. जस्ट मुझे पता था कि हिल विलेज करके एक सोसाइटी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सोसाइटी, तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. एंड गच्चीबौली में था तो आई वॉज इवन मोर यू नो एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि यू नो आई वॉन्टेड अ प्लेस जो ज़्यादा दूर ना हो, हार्टलैंड में हो, सारी चीज़ें आस पास हो. तो अब मैंने इतनी सारी बातें बता दी, नाउ वी हैव एंटर्ड द सोसाइटी. डू यू सी द ड्राइववे? इट इज सो सो क्लीन, सो ब्यूटिफुल. यहाँ पे शाम को सुबह वॉक करने में, योगा करने में जो मजा आएगा ना, मतलब पूछो मत. इसका ना बहुत एक फेरी टेल ओल्ड वर्ल्ड चार्म टाइप है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा. दिस इज अ पैरेलल गार्डन विच इज इट्स एक्चुअली पैरेलल टू ऑल द ब्लॉक्स. तो लेफ्ट साइड में जो है ब्लॉक है एंड राइट साइड में जो है मेरे पूरा गार्डन एरिया है. सो पूरा अपना ओपन वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल वगैरह, एवरीथिंग इज दैट साइड. वी आर एंटरिंग द हाउस. दिस इज अ टाइम, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज गोइंग टू बी हियर वेरी वेरी सून. तो दिल थाम के बैठिए और आराम से बैठिए. थोड़ी ज्यादा स्लो नहीं है? आई होप आई फाइंड द हाउस ऑफ माई ड्रीम्स. फ्लोर हैज गॉट फोर हाउसेस, दो आमने सामने है एंड देन देयर इज अ लॉन्ग हॉलवे एंड देन अदर टू. Hold your guns, guys. We are entering the flat. Just look at this. It's about 2250 square feet. And actually, मेरे को पता नहीं था. Let me just take you there. मुझे पता नहीं था कि ये वाला घर एक डुप्ले है, क्योंकि इस पे सिर्फ 3 BHK लिखा था. I had no idea that I'm going to be entering such an unexpected beauty. तो मतलब एक तो जो मेन सिटिंग एरिया है और सामने जो रिक्रिएशनल टाइप उन्होंने बनाया है, टीवी एरिया एंड बार एरिया, दैट जस्ट टुक माय हार्ट अवे. जस्ट लुक एट द किचन गाइस, इतनी स्पेशियस किचन, इस पे किसका दिल नहीं आएगा. आई लव द फैक्ट दैट इट हैज़ अ ग्लास कवरिंग. नाउ आई हैव पेट्स, तो मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है दैट दे आर नॉट एंटरिंग द स्पेस एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर, दे डू नॉट एंटर इट. This is the main area. Now it's a cute story. So three girls were sharing it and dheere dheere they all got married and now three couples are living in this apartment. Neeche koi bedroom nahi hai, all the bedrooms are upstairs. 3 BHK hai to upar 3 bedrooms hai. Neeche there's the hall, kitchen, balcony, sitting area, in fact 2 sitting areas, and it is amazing. Mujhe lagta hai itna sundar tarike se isko plan kiya gaya hai na, bahut hi unexpected hai. The storage space in this master bedroom is humongous. I loved it. बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरत पड़ती है यार. हम लड़कियों के कपड़े वैसे भी बहुत होते हैं और इतने साइज़ का बेडरूम, स्पेशली मास्टर बेडरूम, तो चाहिए ही होता है. ये सेकेंड बेडरूम है तो यहाँ पे जो है बेड इज़ अटैच्ड. दे हैव अ बेसिक छोटा सा इन्होंने कबर्ड एरिया बनाया है, जो कि हर एक रूम में ना एक नेसेसिटी ही है, क्योंकि आजकल कोई एक्स्ट्रा जगह होती नहीं है यार अपने बॉक्सेस वगैरह स्टोर करने के लिए. सो वी नीड दिस. अभी ये वाला जो वॉशरूम है विल बी शेयर्ड बाय 2 बेडरूम्स एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम, थर्ड वाला रूम है, इट इज अगेन शेयर्ड बाय अनदर कपल.
एंड सिंस यू नो देयर आर यंग पीपल लिविंग इन द हाउस, तुमने अपने हिसाब से ना बहुत स्वीटली पूरा घर रखा है, डिजाइन किया है. दे आर ऑल्सो इन द लाइन ऑफ पैकिंग अप, तो थोड़ा सा गदर है, बट जस्ट एक्सक्यूज इट. जस्ट मतलब मैंने ऑलरेडी अपने दिमाग में बना लिए बात के आई वॉन्ट टू बी स्टेइंग हियर एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू फाइनलाइज दिस फॉर श्योर. जस्ट लुक एट दिस, दिस इज एन एंटायर ड्राइववे वॉकवे. क्या मतलब, अभी मैं करीब 11 बजे गई हूँ, दिस इज अराउंड 11 o'clock एंड देर आर बेरली एनी पीपल. ओनली इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग इट्स लिटिल बसली. एंड यू नो बिफोर आई गेट इन टू एनी थिंग, यहाँ पे पीकॉक्स आते हैं, हार्ट ऑफ द सिटी एंड यू हैव पीकॉक्स इन द मिडल ऑफ दिस प्लेस. ठीक है, हिल रिज में सुबह शाम पीकॉक्स आते हैं. सामने जो आप सोसाइटी देख रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो हिल रिज का सोसाइटी, बट दिस इज हिल रिज विलाज. तो ये तो थोड़ा बड़े फैमिलीज वगैरह हैं तो उनके लिए ठीक है, बट डू यू सी दिस एंटायर ड्राइव? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मेन गेट. डू यू सी दिस? ये ना मतलब इट्स अ ब्लेसिंग. बहुत कमाई करने के बाद, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या कमाई करी है, बट बहुत कमाई, कर्मिक कमाई करने के बाद में ना कुछ ऐसा भला सुंदर मिलता है एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड तो उसके बिल्कुल बगल में देर इज़ द गोल्फ क्लब, द बोल्डर्स गोल्फ क्लब. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज अंगद और मैं वी हैव प्लान्स ऑफ काइंड ऑफ गेटिंग इनटू गोल्फ एंड ट्रेनिंग आर सेल्स. वी डन आ बेसिक ट्रेनिंग बट देन हमारे को कभी ना टाइम मिला क्योंकि अंगद वर्क्स अ डिफरेंट शिफ्ट और सैटरडे संडे जस्ट गोज इन डूइंग सम ऑड जॉब्स. तो घर के इतना पास है तो वी विल डेफिनेटली मेक यूज ऑफ इट. माई फादर प्लेज गोल्फ, सो इफ ही इज गोइंग टू बी हियर, दिस इज द मोस्ट आइडियलिस्टिक प्लेस फॉर हिम एंड अमेजिंग प्लेस टू वॉक अराउंड. मतलब आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अ हॉलीडे होम. यार बहुत प्यारी जगह है. मेरा दिल खुशी से झूमे गाए रातें. तो आज का दिन सफल हुआ. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.